हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग ताईजी स्पेशल में बनाने जा रहे हैं मिर्ची का अचार, लाल मिर्ची का अचार। सर्दी बहुत है जैसे आप देख ही सकते हो, तो सर्दियों की स्पेशलिटी होती है लाल मिर्च का अचार। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे, और मसाले में है राई, मेथी, जीरा, कलौंजी, आमचूर, नमक, हल्दी, पीली सरसों और सौंफ। इनकी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीरा सबसे पहले जीरा ड्राई रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना, हमें उसका मॉइस्चर खत्म हो जाए। हर वीडियो में यही बोलती हूँ, उसका मॉइस्चर खत्म हो जाए और उतना हमें उसको थोड़ा सा ड्राई, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो थोड़े से मॉइस्चर आ जाता है। अब इसमें हम डालेंगे मेथी, डालेंगे इसमें डालेंगे सरसों, और ब्लैक सरसों नहीं, ये तो राई है, राई भी डाल देते हैं। ठीक है, हमें इन्हें पीसना है, ज्यादा बारीक पीसना है या दरदरा, थोड़ा दरदरा हमें इसे पीसना है। अच्छा, सबसे पहले हम मेथी पीस रहे हैं, थोड़ा सा उसको पीसने के बाद उसमें जीरा और सौंफ भी डाल देंगे। अब हम इसमें राई भी डाल देंगे। भाई जी, इनको धूप में अगर हम ज्यादा देर रखेंगे तो हमें इसमें ऑयल ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, डिप करने की जरूरत नहीं। अच्छा, कितने दिन की धूप लगा लेनी चाहिए? कम से कम 4-5 दिन खोल के थाली में या परात में। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी मिलाएंगे। नमक, मैं नमक डाल रही हूँ मैं, ये हल्दी, कलौंजी, आमचूर एंड हींग। अपने टेस्ट के अनुसार भी डाल सकते हैं, और ये कैरी के अचार का मसाला, ओ सॉरी ऑयल। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल इतना डालना है कि ये इस तरह से हो जाए अच्छे से मिक्स। ये 1 किलो मिर्चें हैं और ये उसके अकॉर्डिंग है सारे इंग्रेडिएंट्स। हम ये मसाला मिर्चें में भरेंगे। अच्छे से भरना है ना ताई जी से? इन मिर्चों को हमने रात को अच्छे से धो के कट करके चीरा लगा के और ड्राई सूखने के लिए रख दिया था, और थोड़ी देर धूप में भी रख दिया ताकि अच्छे से इसका मॉइस्चर सब चला जाए, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए इनमें। और हमें इन्हें डिप नहीं करना है ऑयल में, अब डिप करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इनको जैसे थोड़ी देर तो इसमें ही रख देंगे, 3-4 दिन धूप में रखने के बाद इसमें आप ऊपर से ऑयल डाल सकते हो, थोड़ा सा मतलब अच्छे से वो डूब जाए। नहीं, के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कुछ डूबने की जरूरत नहीं। 4-5 चम्मच, अच्छा 4-5, इसमें हमें सिर्फ 4-5 चम्मच ऑयल डाल के फिर रखना होगा धूप में रखने के बाद 4-5 दिन बाद।
हमने सारा मसाला इसमें भर दिया है। अब इसे 3-4 दिन के लिए धूप में ऐसे ही छोड़ना है, और उसके बाद फिर इन्हें किसी जार में रख के ऊपर से तीन चार छोटी कड़छी ऑयल डालना है। मैं पूरी तरह से डिप नहीं करना, उसे बहुत कम ऑयल डलेगा इसमें और ये काफ़ी टाइम तक अब चल जाएगा। तो मिर्चों का अचार अब तैयार है, आप इसे बनाओ और खा के बताओ, और ताई जी को ज़रूर बताना कि कैसा बनाया अचार आपका। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, ताई जी की नई रेसिपी के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर कर देना, ताई जी को अच्छा लगेगा और ताई जी फिर और वीडियोस बनाएंगी।